अब मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, एक तो गौतम बुद्ध का फलसफा, उसके फलसफे का मेन थीम यह है सर्वम दुखम, ऑल इज पेन, ऑल इज सफरिंग। और उसने जो भी अपनी मेहनत की ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसे बाद में मिला क्या और क्या नहीं मिला। एक बात आपसे अर्ज कर दूं, गौतम बुद्ध के बारे में एक बहुत जय्यद आलिम, मेरे नज़दीक बर्रे सगीर पाक व हिंद के उलमा में जो इस सदी के उलमा हैं उनमें उनका बहुत ऊंचा मकाम है, मौलाना मलाजिद हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह। गिलान कस्बा है एक, बिहार का, वहाँ के रहने वाले थे। उनकी ज़िंदगी ज़्यादा गुजरी हैदराबाद दक्कन में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे। उन्होंने गौतम बुद्ध के बारे में ये लिखा है कि मेरा ये गुमान है कि वो भी अल्लाह के नबी थे, और उसकी दलील दी है। कुरान मजीद में एक रसूल का जिक्र आता है, जल किफुल, और यह जल किफुल वो है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। कुरान मजीद में भी एक जगह जिक्र आया है। नंबर दो ये कि किसी हदीस में उसकी कोई हमें वजाहत नहीं मिलती, ना हुजूर से पूछा गया ना हुजूर ने उसकी वजाहत फरमाई। अब यह जल किफुल है कौन? तौरात में जो नबियों के नाम आते हैं उनमें से किसी नबी का नाम जल किफुल के आसपास नहीं बनता कि यह समझा जाए कि यह उस नाम की बिगड़ी हुई या बदली हुई शक्ल बन गई है। तो उन्होंने जो कहा है वो बात वजनी मालूम होती है इस एतबार से कि कपल वस्तु, कपल पे जो है वो अरबी में है नहीं, वो फे बनती है। तो जल किफुल के माने किफुल वाला, और ये किफुल जो है कपल, कपल वाला, जिसको हम कहते हैं कपल वस्तु का शहजादा। तो उन्होंने ये कहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में ये ख्याल, ये मैं अर्ज कर दूं कि इसको हम यकीन से नहीं कह सकते, ये उनका गुमान है, ख्याल है, वल्लाहु आलम कहेंगे हम, लेकिन इम्कान जरूर मौजूद है। कुरान कहता है वले कुल्ले कौमिन हाद, हमने हर कौम में हादी भेजे, वइन मिन करयतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कोई बस्ती ऐसी नहीं दुनिया में जिसमें कोई ना कोई खबरदार करने वाला ना आया हो। तो ये मुमकिन नहीं है कि वहां नबी ना आए हो, लेकिन उनकी तालीमात इतनी बदल गई हैं कि हम उनको पहचान नहीं सकते। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात अगर ईसाइयों से हम समझें तो कभी भी उन्हें अल्लाह का नबी नहीं मान सकते। ये तो कुरान मजीद में आकर हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की असल हकीकत हमें बताई, वरना तो खुदा का बेटा, सालिसु सलासा, इनको कैसे हम मानते, लेकिन ये कि कुरान ने बताया। तो जान लीजिए, हो सकता है कि गौतम बुद्ध भी अल्लाह के नबी हो, लेकिन हो सकता है कि दर्जे में कहेंगे, यकीन से नहीं कहेंगे। बहरहाल गौतम बुद्ध ने इस दुख, रंज, सदमा, गम जो इंसान का मुकद्दर है उसका मुशाहदा किया, और फिर तपस्याएं की, इल्म हासिल किया, ऋषियों मुनों के पास गया, उसने कोशिश की कि मालूम हो सेल्वेशन का रास्ता कौन सा है, इस दुख से निजात पाने की कोई सबील भी है कि नहीं, इस गम से, इस निजात से, इस अंधों से इंसान किसी तरीके से छूट सकता है या नहीं। इसी को सेल्वेशन कहते हैं अंग्रेजी में, इसी को हिंदी में निर्वाण कहते हैं, इसी को अरबी में निजात कहते हैं। अन्ना नजात मुअल्लक़तुन बि मजमूए हाज़िल अशिया, मैंने इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज में आपको वो लफ्ज़ बताया, निजात की राह। अच्छा, जदीद फलसफों में जिन हजरात को दिलचस्पी की बात है उन्हीं के बारे में ये अर्ज़ कर रहा हूँ। जदीद फलसफों में भी एक फलसफा है वजूदियत, एग्जिस्टांशलिज्म। आपने नाम सुना होगा सार्त्र, ये फ्रेंच फिलोसोफर, और इस वक्त दुनिया में जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है सार्त्र के फलसफे से। किर्केगार्ड पुराने दौर में और सार्त्र इस दौर में, इनके फलसफे का नाम है वजूदियत, एग्जिस्टेंशलिज्म। उसका मरकजी ख्याल भी यही है, इंसान के लिए दुख ही दुख है, सदमा ही सदमा है, रंज ही रंज है। सिर्फ यह है कि कुछ हसास लोग होते हैं वो सदमे को ज्यादा महसूस करते हैं, कुछ जरा उनकी हिस्स जो है वो कुछ डल हो जाती है, कुंद हो जाती है। वो जो गालिब का शेर मैंने आपको सुनाया कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई, वरना यह है कि इंसान सोचे तो दुख है। अब यह दुख जो है इससे निजात का कोई रास्ता भी है कि नहीं, यह क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब है तीसरी आयत में, इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। जो एक नाउमीदी की कैफियत तारी होती है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, जमाने की कसम है तमाम इंसान बर्बाद होने वाले हैं, तबाही में हैं, घाटे में हैं, टोटे में हैं। इससे जो एक मायूस कुल सूरत हाल सामने आती है, इस मायूसी से निजात दिलाने वाली आयत है तीसरी आयत। एक रास्ता है, ये उम्मीद की करन है, तबाही से बच सकते हो। अबदी बर्बादी, वो बर्बादी, यहां तो ये है कि हमने मुशक्कतें उठा ली, फाके झेल लिए, तकलीफें बर्दाश्त कर ली, सने बर्दाश्त कर लिए, लेकिन मौत आई, उसका खात्मा हो गया। लेकिन उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता जहन्नम में झोंक दिए गए, वो अबदुल आबाद तक की, वो हमेशा हमेशा की जलन। कुरान कहता है कि अगर एक खाल जल जाएगी, झुलस जाएगी, अल्लाह और खाल दे देगा। देखिए ये भी जदीद दौर में, आपको मालूम होगा बॉरिस बुकाई ने जो किताब लिखी है, द फ्रेंच सर्जन, उसने साबित किया है कि कुरान मजीद ने जितने नेचुरल फिनोमेना का हवाला दिया है वो बिल्कुल साइंस के मुताबिक है। आज हमें यह मालूम है कि हिस जो है वो सिर्फ खाल में होती है, खाल हसास होती है, खाल उतर जाए नीचे जो है गोश्त जलेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। मालूम कुरान ने कहा है कि जब खालें उनकी झुलस जाएंगी हम नई खाल दे देंगे, ताकि वो सोजिश जो है, वो जलन का एहसास बरकरार रहे, वो खत्म होने ना पाए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, अगर अंदर का गोश्त भी हिस वाला होता तो फिर खाल दोबारा आता करने की जरूरत नहीं है, गोश्त जलेगा, उससे भी जलन का और सोजिश का एहसास हो जाएगा। लेकिन कुरान कहता है कि नहीं, कुल्लमा नदुजत जुलूदुहुम बद्दलना लहुम जुलूदन गैरहा, जब उनकी खालें झुलस जाएंगी, जल जाएंगी, हम उनकी खालें बदल देंगे ताकि वो सोजिश बरकरार रहे। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, फिर न वो उसमें जी सकेगा न मर सकेगा, न जिंदों में होगा न मुर्दों में होगा। मौत को पुकारेगा, काश के मौत आ जाए जो मुझे इस मुशक्कत से और मुश्किल से छुटकारा दिला दे। वो मौत जिससे इस वक्त हम भागते हैं, अगर खुदा ना खास्ता उस जहन्नुम में झोंके गए तो फिर मौत को पुकारेंगे और मौत नहीं आएगी। इस अजाब से, इस अबदी नाकामी से, इस खुसरान से, इस अबदी हलाकत से बचने का कोई रास्ता है? वो जो मैदान हश्र में पुकारेंगे लोग ऐनल मफर, कोई जाए फिरार है, कोई जाए पनाह है, वो जाए फिरार, वो जाए पनाह इस दुनिया में अल्लाह ने हमें आता फरमाई, उसी का नाम सिरात मुस्तकीम है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिलहक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र, एक रास्ता है, उसके ये चार निशान हाय राह है, संग हाय मील है। पहला ईमान, दूसरा अमल साले, तीसरा तवासे बिलहक़्क़, चौथा तवासे बिस्सब्र। इस सिरात मुस्तकीम पर बचोगे, निर्वाण हासिल हो जाएगा, निजात हासिल हो जाएगी, कामयाबी से हम किनार हो जाओगे, उस अबदी खुसरान से निजात पा जाओगे।